वो देखा आपने बट ले नहीं पाई हमने नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट ऋषि पंगाल। आई होप योर लाइफ फिट एंड फाइन। भाई कोई बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट चलने लग रहा है, आप लोगों के लिए चल रहा है, मेरा सपना पूरा होने लग रहा है। तो पापा को पता है, पापा से पूछता हूँ कैसा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया, मतलब मस्त चीज है ना, सोच अच्छी है ना, आगे अगर वो बड़ी वो चीज वैसे है ना। और अभी पापा ने खाना खा लिया है, थोरू में से नाराज है क्योंकि मैंने इसका खाना बीच में छोड़ के ऊपर चला गया। मैं सोचा व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। सो थोर के खाने में आज क्या है, आज है पनीर। यू कैन सी दिस, पनीर है और पनीर का हम पानी भी साथ में ही डाल देते हैं, पनीर बनाते समय जो पानी होता है ना। और इसमें बस थोड़ा सा ऐसे टेस्ट के लिए थोड़े से चावल है, बाकी इसकी फीड है। और हमने ये आज इसके 4 अंडे हैं। चलो थोरू खाना खाएगी, बिट्टू खाना खाएगी, चल आ जा खाना खाते हैं। ये थोड़ा ना मेरा खेस मांग रहा है। क्या चाहिए क्या चाहिए, दो दो मिनट में आता है। और ये दिख रहा है ना, ये मांगने लग जाता है, ये देख रहा है। क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए क्या चाहिए। मैं बिट्टू आ जा, तेरी साफ करता हूँ मैं, आ जा, नहीं लाऊंगा तेरे को, नहीं लाऊंगा, चल भाई, ठंड बहुत हो रही है, आ जा। ओए देख के पापा बोलियो, पापा को देख के, पापा जी इतना खौफ तो हमें नहीं हुआ कभी, इतना आपको इसको हो रहा है पापा। बताऊं तेरे को, लेवल मार दिया है, तो दोस्तों हमारे टैंक के अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। कल कमेंट सेक्शन में आ रहा था कि अपडेट दो सर। सो ये हमारा ऑस्कर है, इसका नाम रखना है, मैंने कल भी पूछा था कि इसका क्या नाम रखें, तो आप भी आज भी आप थोड़ी सजेशन देना। मैं तो इसका नाम बंटी रखने की सोच रहा हूँ, बंटी कैसा नाम है। और ये हमारे प्लांट्स की ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा सुंदर हो रही है। और इसके पीछे रीज़न वो मैं आपको बताऊँगा, बट अभी नहीं, मैं आपके के लिए एक सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान करने लग रहा हूँ, और उसी प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ। सो उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा इसकी सब चीज, ग्रोथ वगैरह और टू जेड चीजें। और मेरी प्लेको भी बहुत ज्यादा सुंदर है, ये देखो। सो इनको खाना देने का टाइम है, इनको खाना दूंगा फिर मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया अभी तक, थोड़े काम कर रहा था। और थोड़ू यही था अभी, कहाँ चला गया, नीचे देख रहा है, पता नहीं किसको देख रहा है। चलो, और मैंने कल के व्लॉग में कहा था कि मेरी ऑस्कर जंप मार देती है ऊपर, सो मैं ट्राई करता हूँ, और अगर मारेगी तो आपको दिखाऊंगा जंप। इसको मैं ये वर्म्स दे रहा हूँ, ड्राई वर्म्स, ये इसको दे, इसका ये फेवरेट खाना है, वैसे ही है तो ये बाइशर के लिए। ये देखो एक सेकेंड, लेट्स सी ये जंप, वो देखा आपने बट ले नहीं पाई, अब लेगी लेगी, देखा जब मारती है ना ये, मैं सच में कह रहा था कि जब मारती है पूरी मस्त है। मैं इसका नाम जरूर बता रहा, बंटी कैसा नाम है यार, मस्त लगेगा ना, तुम वाइट एंगल हो गया थोड़ा, ठीक है। सब मैं इनको प्रॉपर खाना खिला रहे थे, और फिर मैं अपना खाना खाता हूँ। चलो खाना दिखाता हूँ आज क्या बना है, ठीक है, तब देखते हैं। सो दोस्तों मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या हुआ है। अभी टाइम हो गया है भाई साहब, 6 बज गए हैं शाम के, गाइस शाम के 6 बज गए, और लास्ट क्लिप मैंने शूट करी थी 12 बजे शायद दिन के, ठीक है। और तब से मम्मी मुझे कह रही है कि जब मम्मी ऊपर आए, आज मम्मी मेरे रूम पे आए, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि मेरी मम्मी रूम पे आते ही नहीं, बहुत कम आते हैं। सो मम्मी आए ऊपर, तो मम्मी ने सेट करा सामान, थोड़ा ये बेड वगैरह, वो तो ऑब्वियस ही बात है, हर माँ का धर्म है ये कि वो आते ही सेट करते हैं। सो मम्मी एक ये पिल्लो कवर लेके आना भूल गए, और वो मुझे 12 बजे से कह रहे हैं लिटरली कि भाई कवर चढ़ा ले, कवर चढ़ा ले, कवर चढ़ा ले। और मैं 12 बजे से खाना खाया मैंने, मैं अपना कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उससे रिलेटेड काम चल रहा था, बट उसके बाद मैंने बस, मुझे मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है तो तू वो देख, इंडिया में शार्क टैंक आया हुआ है। तो मैं कहा चलो, मैं उस चीज को डिले करता रहा, बट आज पता नहीं कैसे मेरी आईडी पे आगे आ गया। सो मैं वो देखने लगा, और भाई मैं 5th एपिसोड पे पहुंच गया, और वो भी एंड होने वाला है। सो पूरा टाइम मैंने इसमें निकाल दिया,
बट ये ऐसी चीज मुझे लगी जिसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मैं इस टाइम को कंज्यूम करूंगा और बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। आप लोगों को भी बताना आप लोगों में से किस किस ने देखा है ये। सो अब मेरा क्या काम है, सबसे पहले तो मैं ये तकिया उठा के और नीचे लेके जाता हूँ। मम्मी ने कहा कि तू भाई तू कवर तो चढ़ाएगा नहीं, तू तकिया ही लिया। सो मैं पिल्लो, आई मीन इंग्लिश में पिल्लो और अपनी देसी भाषा में तकिया, और अपने एक्वेरियम देखो कितना सुंदर लग रहा है। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई इन टैंक्स पे काम क्यों नहीं कर रहे रचित भाई, लाके ही रख दिए, लाके ही रखने थे क्या, ये टैंक्स ही बेचोगे खाली? सो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, काम इन पे चल रहा है, अंडर नीचे नीचे काम चल रहा है अभी। सो आपके पास आ जाएगा बहुत जल्दी। सो मेरा काम अब क्या है, ये नीचे दे के आता हूँ और फिर मैं थोर को मार लेके जाना है क्योंकि वो मेरी ड्यूटी लगाई है शाम की। सो चलो चलते हैं। ये लो फाइनली पहुंच गया आपका तकिया। तो मुझे फर्क तो नहीं पड़ रहा था कि कवर चढ़ा में नहीं पड़ा है। आप अच्छा तो आप कहना चाह रहे हो मैं ध्यान नहीं रखता। आज तो मम्मी का मुंह ऐसे लाल लाल सा क्यों हो रहा है मम्मी? बुखार कैसे हो गया आपका, थकान वाला बुखार? क्यों भाई थोड़ी कैसे बैठे, पैर देखो इसने कैसे रखे, जैसे छोटा सा बच्चा बैठा हो गए। देख किसको देख रहे मेरे भाई, आजा चल आजा चलते। सो दोस्तों अंधेरा तो हो गया है, चल सब थोरू को मैं घुमाने ले आया हूँ। सो अभी अभी क्या हुआ, लेट मी टेल यू, अभी ये जो गेट है ना, ये लोहे वाला गेट है, वहाँ से हम आ रहे थे तो वहाँ पे एक मैम खड़े थे और उनको वो मतलब गेट नहीं दिखा नीचे अपने घर के साइड में, वो है ना ईट से है तो वो पीछे हो रहे थे तो वो एकदम से गिर गए। बट अच्छी बात ये हुई कि उन्होंने ये नहीं कहा कि डॉग की वजह से गिर गए, इन्हें कई लोग होते हैं कहते कि भैया अपने डॉग कुत्ता साइड में कर ले ये कर ले, बट ये अच्छी बात है उन्होंने माने कि उनकी गलती थी, खुद ही उनके पैर लग गए। बाकी थोर ऐसा कुछ करता नहीं है, तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना जब डॉग साइड में और वो खुद की गलती से गिर जाए तो वो पक्का डॉग के ऊपर इंजाम लगा देते हैं। सो ये उनकी बहुत अच्छी बात थी। चले थोरू पापा देखो हेला कैसे बर्गर की तरह देख रही है मम्मी आवाज। और मैं ना आज बर्गर लेके आया हूँ, वो देखो थोर कैसे उठ के देख रहे हैं। मम्मी हेला को बर्गर खिला रहे हो, हेला कितनी सुंदर लग रही है पापा जी, देखो सब सुन रही है ये हमारी हेला। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को मेंशन करा था, ये हमारे घर में एजेंट है, एजेंट ये ना पता नहीं कौन से देश की एजेंट है, हमारे घर की सारी बात सुनती है और कहीं वहां उस कोण में इसने अपने कॉर्नर पे बेड के पीछे इसने अपना वो ट्रांसमीटर लगाया हुआ है और ये अपने कोड वर्ड्स में भेजती है वहां पे। एक दिन में दो बार ऊपर जाके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा तो नहीं लग रहा मुझे पता, थोड़ दो कितना बड़ा लग रहा है आपसे रिलेटेड। मम्मी का ना फॉर्म भरना है तो मम्मी कहते हैं चलो भरते हैं, मैं यहाँ ले आया था लैपटॉप। सो मम्मी और से यहाँ पे मेरा वाईफाई का एक इशू है भाई, वो रेंज तो दिखाता है बट मम्मी और के फ्लोर पे चलाता नहीं, वो ऊपर ही चलाता है। हमने राउटर भी दो लगाए हुए हैं पूरे घर में बट बीच वाले फ्लोर में फिर भी नहीं आता, एक सबसे नीचे लगाया हुआ है और एक ऊपर। दोस्तों अपना मगरमच्छ बाहर आया हुआ है ये देखो, मैं तो अभी लाइट ऑन करिए। हाँ भाई दोस्त क्या हाल है, ठीक है तू? मम्मी देखो मगरमच्छ बाहर आया हुआ है, कितना सुंदर है ना, कलर कैसे है इसके, इसको लेपर्ड बाइशर बोलते हैं, लेपर्ड। अरे पैरेंट देखो कहाँ सो रही थी, मैंने धक्के लाइट ऑन कर दी। सोने दो, कैसा लग रहा है मम्मी? मस्त लग रहा है, ये देखो तुमने घर बना दिया। हाँ ये चिकलेट जो होती है ना सारी, इन्होंने मिट्टी देखो मम्मी सारों ने घर बनाया हुआ अपना अपना, देखो अंदर घुसी हुई थी। चलो भाई थोड़ा काम करा देता हूँ मम्मी, उसका लेपड़ लैपटॉप को लेपड़ कह रहा था, ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं मम्मी। क्या हुआ मम्मी? क्या क्या हुआ, आज बेडशीट सेट करके गई थी, वो ही बुरा होता रखे। ना 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 साफ तो पड़े हैं सारी, तो बेडशीट सही है। सो दोस्तों मैं तो इससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, ये सिक्स्थ वाला एपिसोड चल रहा है और पापा को भी दिखा रहा हूँ मैं तो, मस्त है मतलब अच्छा शो है, इंडिया में आना चाहिए था भाई शार्क टैंक, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और पापा और ना मम्मी का काम हुआ नहीं अभी क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ये जो 8 बजे कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग कर रहे होंगे ट्राई, तो ट्रैफिक ज्यादा है उस साइड पे, सो वो काम नहीं कर रहा। सो मैंने कहा कि आप लोग सुबह करना है या रात को 12 बजे से करना, फिर मम्मी अभी अभी नीचे गई है। सो दोस्तों
रात के 11:47 हो चुके हैं और भाई मैं आज बिल्कुल जब सोने वाला हूँ तभी आज एंडिंग कर रहा हूँ। नहीं मैं पहले एंडिंग करता था या सुबह उठ के एंडिंग करता था व्लॉग की। सो आज मैं पहली बार उस टाइम एंडिंग कर रहा हूँ। सो दिस इज योर होस्ट फ्रॉम रचित पंघाल यूट्यूब चैनल साइनिंग ऑफ। सो कल फिर नए एक और धमाकेदार और फ्रेश व्लॉग के साथ मिलेंगे। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में नाम भर दो हमारी फिशेज का।